और कृष्ण का अर्थ है कर सतीत इत कृष्णा, तो जबरदस्ती भक्त का मन अपनी ओर खींच ले उसे कृष्ण कहते हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए, बाल बालों के साथ खेलते खेलते एक दिन भगवान ने मिट्टी खा लिया, और जैसे भगवान ने मिट्टी खाई तो सारे ग्वाल बालों ने पकड़ कर ले आए मैया के पास। अब बोले मैया देख तेरा लाला मिट्टी खाता है। माँ ने कहा क्यों रे मिट्टी खाता है तू? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। भगवान कहते हैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा तुम बताओ हरिश्चंद्र हो, खाई है मिट्टी की नहीं खाई है? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्यमे मुखम। हमने बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई है, अगर तुझे विश्वास ना है तो मुंह में देख ले। माने का चल दिखा मुंह, कुछ ना कुछ तो मुख में लगी होगी। श्री दामा ने कहा तो पेट में चली गई होगी, मुंह में क्या लगा होगा। अच्छा चल दिखा। और कहते हैं जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला है तो भगवान की जो वैष्णवी माया है, वैष्णवी वितनोन माया पुत्र स्नेहमयी विभु, वैष्णवी माया को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये ग्वालिनी जिस गोविंद का कान पकड़ती है उसको पता तो हो कि है कौन ये, जिसके इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है, बार बार ये ग्वालिनी उसका कान पकड़ लेती है। और जैसे ही गोविंद ने मुंह खोला तो पूरी दुनिया गोविंद के मुख में, बड़े बड़े नदी पहाड़ पर्वत मेखला झरने गिरजन पुरजन दीन सब महल भवन नदी पर्वत नव मंडल भारत मंडल अजनाब खंड जितने हैं सब परमात्मा के मुख में दिख रहा है। हाहाकार करती हुई उमड़ता हुआ सागर गोविंद के मुख में, बड़े बड़े हिमालय और पाखंड गोविंद पाषाण गोविंद के मुख में मैया ये दृश्य को देख कर चौंक गई, नेत्र बंद कर लिया, डर के मारे कांपने लगी। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने परमात्मा के कान पकड़ लिए। भगवान ने ऊपर देखा, ये क्या हो गया, मैया का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। ओहो वैष्णवी माया है, तुम्हारा काम है तो दोबारा मेरी लीला में मत आना, सब भुलवा दे मां को। सब भुलवा दिया, भगवान ने मुंह बंद कर लिया। माने का लाला लगता है तेरे मुंह में कुछ देखा है। माने का भगवान ने कहा कुछ नहीं देखा, फिर से देख ले। फिर से भगवान ने मुंह खोला तो कहीं कुछ नहीं।